तो हेलो गाइस, आपके सामने जो खड़ी हुई है TVS XL एंट्री, ये गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और स्टार्ट अगर हो भी जाएगी 15-20 सेल्फ लेने के बाद में तो झटके ले रही है बहुत बराबर। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर फॉल्ट क्या है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले अपन इसको चेक करते हैं कोई इनका फोल्ड कोड तो नहीं आ रहा है। तो गैस इसके अंदर कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, मतलब इसके अंदर कोई भी टेक्निकल ऐसा नहीं है कि इससे कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो चलिए इसको अपन अब चेक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे गाड़ी झटके ले रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट अगर हो भी जाएगी तो बहुत मुश्किल से एक बार स्टार्ट हो रही है और थोड़े से झटके लेकर हाल ही बंद हो जाएगी गाड़ी, मतलब मिसिंग कर रही है। तो चलिए अपन इसको चेक करते हैं। इसको मैं साइड में रखता हूँ, ये चाबी मैंने ऑफ की है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। ये मैंने उठा दिया। अब इसका अपन फ्यूल पंप चेक करते हैं। सबसे पहले इसका साउंड सुनते हैं, फ्यूल पंप का कैसा साउंड इसके अंदर आ रहा है। तो गाइस इसके अंदर कुछ आवाज़ आ रही है फ्यूल पंप के अंदर, उसको चेक करते हैं अपन निकाल के कितना पेट्रोल इसके अंदर आ रहा है, कहीं इसका फ्यूल पंप तो ख़राब नहीं हो गया है। तो गाइस जितनी भी BS6 गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनके अंदर कंपनी ने फ्यूल पंप तो दे रखा है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो फ्यूल पंप ख़राब होने का कारण क्या बनता है, मैं बार बार बोलता हूँ और कई बार बताया है मैंने, अगर आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम रखते हो तो फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है। खैर इसके अंदर तो फ्यूल पंप ख़राब होने के कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्ट टैंक से फ्यूल पंप जो पेट्रोल आता है वो फ्यूल पंप के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर पेट्रोल ऐसा नहीं है कि आपको उसके अंदर 2.5 लीटर ही रखना है, इसमें आप 1 लीटर रख के भी चला सकते हो। तो अपन इसको चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी झटके क्यों ले रही है, पेट्रोल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाबी ऑन करो। दोबारा बंद करके चालू करो। तो गाइस पेट्रोल जो स्पीड से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ दबा के, चालू करो। प्रेशर नहीं आ रहा है, इसका जो प्रेशर आता है उतनी स्पीड से पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ और आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पेट्रोल में पूरा निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि फैल ना जाए। तो पेट्रोल तो बहुत अच्छा आ रहा है, ऊपर से टैंक से बहुत बढ़िया तरीके से पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल की रफ्तार भी अच्छी आ रही है। निकालता हूँ, थोड़ा पेट्रोल निकलेगा इसके अंदर, बस निकल गया। चेक तो करना पड़ेगा गाइस क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ऐसी गाड़ी के अंदर झटके ले रही है गाड़ी और स्टार्ट नहीं हो रही है। सॉकेट जो है इसको मैं पुश करके बाहर निकालूंगा। थोड़ा टाइट है, यही दबाया अपन ने इसको, ये निकल गया बाहर। अब उसको मैं खोल के चेक करता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये इसका फिल्टर होता है जो कि पेट्रोल को अंदर छान के भेजना इसका काम होता है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो ये तो
बढ़िया साफ है, ऐसा गंदा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल क्लीन है। और भी मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसके अंदर देखूँ प्रॉब्लम है क्या। देखिए इसको मैंने बाहर निकाला है और आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है, क्यों ये काम करना लेट बंद कर देता है। गंदगी भी लगी हुई है काफ़ी सारी, स्प्रिंग उठा उसकी स्प्रिंग लगी। इसकी मैंने मोटर बाहर निकाली है, देखिए मैं पूरा पंप आपके सामने खोल दिया हूँ ये वाला, अब उसको पूरा क्लीन करके रिपेयर करके मैं दोबारा लगा के आपको बताऊँगा इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या। देखिए अपन इसको पहले साफ करते हैं, छोटी छोटी ओ रिंग इनका ध्यान रखना आपको, ये गिर ना जाए कहीं। ये काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सॉकेट लगा दिया, ये देखिए आप ये काम कर रहा है, ये पेट्रोल का काम करता है बिल्कुल, खूब बढ़िया पेट्रोल को प्रेशर बना के पोछाना इसका काम है, ये देखिए। फिर मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या पोजीशन है, ये काम करता है या नहीं करता, मैंने कोशिश तो इसको बहुत अच्छी तरीके से की है रिपेयर करने की, तो चलिए मैं फिट करके आपको बताता हूँ।